नमस्कार दोस्तों, मैं अनिकेश आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ टेक्निकल क्रॉक्स के एक नए एपिसोड में। फ्रेंड्स, आज हम एक ऐसे प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं जो अपने आप में काफ़ी फेमस है। और तो चलिए जान लेते हैं इसमें क्या क्या मिलता है और इसकी क्वालिटी क्या है, इसकी स्ट्रेंथ क्या है, इसका नॉइज रिडक्शन कितना है, कैसा है, सब कुछ आज देख लेते हैं इस वीडियो में। तो सबसे पहले हम कर लेते हैं इसको अनबॉक्सिंग। दोस्तों, ये जो प्रोडक्ट है मैंने अमेजोन से लिया है और इसको देख लेते हैं इसमें क्या है और इसकी क्वालिटी क्या है। दोस्तों, इसकी ये स्लिप है, रिसिप्ट है, जो भी है बिल है इसका, ये हम इसे बाद में देखेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं ये जो है कॉलर माइक है, बोया बाय M1 लेवलियर माइक। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या क्या है और कैसा है और उसके बाद हम टेस्ट करेंगे इसके फीचर्स और जो भी इसके दोस्तों, ये जो है साइड में रखता हूँ। सबसे पहले ये जो है ये एम्पलीफायर में डायरेक्ट कनेक्ट होता है, ये जो है मेल कनेक्टर है, इसको बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं इसको, इसको साइड में रखते हैं। और उसके बाद ये जो है हमारा माइक है, तो देख के तो बहुत ही अच्छा लग रहा है काफ़ी। इसकी वायर की जो लेंथ है वो भी लगभग 5 से 6 मीटर तक होगी और काफ़ी है। और यहाँ का एक यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है और कैमरा के लिए दिया हुआ है। यहाँ पे नीचे की तरफ किया तो स्मार्टफोन में कनेक्ट होता है, ऊपर की तरफ करते हैं तो DSLR में कनेक्ट होता है। और ये भी यहाँ से खुलता है, देख लेते हैं इसे भी। हाँ, यहाँ पर एक बटन सेल बोलते हैं, बटन सेल लगता है। और जो ये इसका कॉर्ड है, ये है जो 3.5 mm का कॉर्ड है जैक, ये भी जो है काफी अच्छा क्वालिटी का दिख रहा है। तो इसे देख, ये एक सेल, बटन सेल बोलते हैं इसे, ये एक मुल्ला है इसके साथ में। और ये जो है क्लिप है, यहाँ पे कहीं भी लगा सकते हैं, अपने कॉलर पे लगा सकते हैं, अपने शर्ट में कहीं इजीली जहाँ पे सुटेबल हो वहाँ पे लगा सकते हैं। और इसका भी रह गया है टेस्ट, तो वो भी चेक कर लेते हैं इसका क्या क्वालिटी है, नॉइज रिडक्शन कितना है और इसकी क्वालिटी क्या है, कैसी है, सभी चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसको सेल को इंसर्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अभी आप जो आवाज़ सुन रहे हो, वॉइस सुन रहे हो, इस माइक के थ्रू आ रहा है, तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिला है इसके थ्रू और काफ़ी इसका स्ट्रेंथ भी अच्छा है। मैंने सभी चेक किया इसका और भी मेरे पास एक पड़ा हुआ है, काफ़ी अच्छा है ये प्रोडक्ट और नॉइज रिडक्शन भी काफ़ी हद तक ये रिड्यूस करता है। कुछ ही दिनों पहले मैंने दूसरा एक पहले माइक लिया हुआ था, तो वो कुछ अच्छा खासा कमाल नहीं दिखा पाया, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा। तो इसका रिजल्ट जो है काफ़ी अच्छा बेहतरीन है। तो अगर आप लेना चाहते हो अगर ये माइक, तो आप ले सकते हो। बस आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। अगर मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट करो और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करो लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए।
दोस्तों अभी मैं नेक्स्ट वीडियो में और आगे भी मेरे सभी वीडियोस में इसी माइक के थ्रू मैं सभी रिकॉर्डिंग करने वाला हूँ। तो उम्मीद है मेरी सभी वीडियो आप सभी को पसंद आएगी और वॉइस का कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही।